मुनारी में भारत बंद के समर्थन में धरना। जी हाँ, वाराणसी जिले के चौबीपुर थाना क्षेत्र के मुनारी बाजार में भारत बंद के समर्थन में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अजगरा लक्ष्मण यादव, जिला महासचिव लोहिया वाहिनी ब्लॉक चोलापुर सेक्टर नंबर 1 उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र यादव, मुनारी के पूर्व प्रधान मुन्नू यादव तथा रामप्रसाद जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। उन लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के मुख्य अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर हम लोग आज धरना दे रहे हैं। देखिए मुनारी से दुर्गेश कुमार यादव की यह रिपोर्ट। मोदी सरकार द्वारा अभी हाल ही में जो 3 नए कृषि कानून पास किए गए उसका पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं, आंदोलन रद्द है। किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उनकी बात को मान नहीं रही है। हम किसानों के साथ, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ हमेशा रही है और उसी तरह आज हम सभी लोग कांग्रेस पार्टी के लोग किसानों के साथ देने के लिए भारत बंद में अपना सहयोग कर रहे थे, समर्थन में, किसानों के समर्थन में। आज सुबह ही सत्ता के इशारे पर, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के इशारे पर स्थानीय पुलिस ने हम सभी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को घर पर नज़रबंद कर दिया और जो हमारी प्रतिबद्धता देखी कि हम लोग किसानों के साथ हैं तो ये किसान विरोधी भाजपा सरकार ने हम सभी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, थाने बैठा लिया, घंटों पर थाने बैठाई रही। अभी भी हमने उप जिलाधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित मांग पर सौंपा है। हमारी मांग है कि सरकार अपने तीनों काले कानून को अविलंब वापस लें। इन्हीं मांग को हमने महामहिम को ज्ञापन के नाम ज्ञापन दिया, SDM को सौंपा है। जी, क्या नाम है आपका? राकेश मिश्रा, मैं उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी जौनपुर का। हमारे साथ में किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे साथ में कुटन के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी संतोष मिश्रा है, विजय उपाध्याय है, निन्ने यादव हैं, देवेश उपाध्याय, सभी हमारे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता और बहुत से पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर उनको डिटेन कर दिया गया है, नज़रबंद कर दिया गया है। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के घर पर सरकार ने पुलिस तैनात करवा दी है, कोई पूरे प्रदेश में और हमारे कुटन में भी, हमारे स्वागत विधानसभा क्षेत्र में भी हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर पुलिस खड़ी हुई है। जी, लोकतंत्र में आवाज़ को पुलिस दबा रही है।